छुआड़ा बलाम सलोमपुर के बीच टॉस होने जा रहा है। 68वीं राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता 2024 अंडर 14 रायसिंह नगर अनूपगढ़ से मैं गजानंद। टॉस का सिक्का इस समय बांसवाड़ा। शुरू होता मैच पहला ही रेड लॉबी में है, पहुंच जाएंगी। अच्छी शुरुआत इस समय बांसवाड़ा की, टॉस जीतकर पहले रेड लिया। अच्छी शुरुआत सलोमपुर के सामने। 14 वर्षीय छात्रा वर्ग में बांसवाड़ा बनाम सलोमपुर आमने सामने। अनूपगढ़ बेहतरीन मेजबानी करता हुआ इसमें रायसिंह नगर, जो कि एक बेहतरीन शहर और जहां पे आस्था के एक से बढ़कर एक बेहतरीन मंदिर। 5 के डिफेंस में सलोमपुर शुरुआती समय खेल का। दबाव है कहीं ना कहीं सलोमपुर के ऊपर, और यहाँ बेहतरीन कैच, शानदार शिकार किया इस समय। पहला पॉइंट सलोमपुर की सौगात में। बालिका वर्ग में आप देख पा रहे हैं इस समय बेहतरीन मुकाबले एक से बढ़कर एक होनार छात्राएं इस समय राजस्थान के तमाम जिलों से पहुंची हैं अनूपगढ़ की पावन पवित्र धरा पे। ये शानदार पॉइंट इस समय सलोमपुर की सीट में जाता हुआ। अब 7 के डिफेंस पे पुनः नजर आने लगा सलोमपुर। स्कोर 2-2 से बराबर। देखते हैं 7 के डिफेंस से पॉइंट अर्जित कर पाती है कि नहीं। ये होनार बालिका इस समय शाइनिंग स्टार के रूप में एक नंबर पहचान संख्या, और फिर से पहुंच गई दूसरी सफल रेड लॉबी के माध्यम से पांव के सहारे। और यहाँ देखिए नज़रें हटी और अनुभव का फायदा उठाया। माफ़ कीजिए, अंपायर रेडी नहीं थे और दोबारा रेड पे आना होगा सलोमपुर। टच पॉइंट की कोशिश में, एक पॉइंट की मामूली बढ़त इस समय बांसवाड़े के पास और लक्ष्य तक पहुँचे हैं। दो पॉइंट इसी बीच से, तो यानी पहली बार लीड पे आ गया है सलोमपुर। सलोमपुर देखते हैं कैसे जूझता है इस मैच में या फिर जीत दर्ज करता। प्रयासरत इस वक्त बांसवाड़ा की बालिका सेफ ही वापस बगैर किसी हलचल के खाली हाथ। 6 के डिफेंस है इस वक्त सलोमपुर। शिक्षा के साथ साथ बालिकाएं खेल में भी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए लगातार, चाहे वो किसी प्रकार के खेल हो या कबड्डी में भी देखेगा पुरुषों के बाद अब बालिकाएं भी बोनस की कोशिश। और बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, एक बार उधर एक बार इधर, जल्दबाजी होगा अभी कुछ कहना कि जीत किसकी होगी। एक नंबर पहचान संख्या में प्रयासरत लगातार, और यहां शानदार तरीके से टेकल किया है। बेहतरीन डिफेंस, सलोमपुर के सीट में जाएगा ये टच पॉइंट। फिर से 7 स्टार, 7 नंबर पहचान संख्या में। एंगल होल्ड का शिकार हो सकते हैं, पीछे रह गई हैं। अब छोड़ने वाला नहीं बांसवाड़ा की बांसुरी में सलोमपुर का सुर। और एक बार फिर से बांसवाड़ा बढ़त पे। 6 का डिफेंस, लगभग फलडे बराबर हैं दोनों टीमों के। ऐसे में करो मरो की स्थिति। देखिए सफल रेड, फर्स्ट हाफ का खेल इस समय आप देख पा रहे हैं। 14 वर्षीय छात्रा वर्ग में 68वीं राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता PM श्री महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय रायसिंह नगर कंपलसरी अनूपगढ़ से मैं गजानंद पुनः आप सबका
हृदय की गहराई से स्वागत अभिनंदन करता हूं खेल जगत में। डी लाइन को छूकर वापस शायद या फिर टॉस पॉइंट का प्रयास करेंगे, देखते हैं आखिर शायद सफल होने चाहिए। जी हाँ, छह नंबर को बाहर भेजने में कामयाब। एक बार फिर कहीं ना कहीं दबाव टच पॉइंट का इशारा इधर से भी आया। पास का डिफेंस बोनस ऑफ, इसलिए थोड़ी चुनौती कठिन हो सकती है। दबाव बढ़ सकता है, पांच का डिफेंस है, ऐसे में जोखिम उठाना खतरे से खाली नहीं होगा। खाली हाथ ही वापस सलोम्बर फिर से रेड के लिए आगे बढ़ता हुआ। इधर छह का डिफेंस है, बोनस ऑन, लेकिन अच्छा कवर किया है इस वक्त है और बेहतरीन नियंत्रण। एक बार फिर से बांसवाड़ा की अच्छी पकड़, रडर आउट, कमजोर होता धीरे धीरे सलोम्बर। चार के डिफेंस में आ गया है, यहाँ से यदि पॉइंट होता है, किक किया है और बिल्कुल मिलेगा पॉइंट, सुपर टेकल का खतरा दिखाई देगा। टच पॉइंट चाहिए सुपर टेकल से बाहर निकलने के लिए सलोम्बर को, नहीं तो सुपर टेकल ही नहीं ऑल आउट का खतरा भी मंडराएगा। टच की कोशिश की गई कॉर्नर से, जी हाँ, नौ नंबर ने सात नंबर को टच करने के बाद वापस लौटे। चार का डिफेंस यू कहते हो बढ़त बांसवाड़ा के पास, लगातार प्रयास होती है एक नंबर जर्सी में और काफी अवसर पे सफल भी रही है। सबसे सफल रेडर बांसवाड़ा की ओर से देखा जाए तो, खिली हुई धूप और उसी धूप की नीचे यहाँ बालिकाएं लगातार पसीना बहाते हुए परचम लहराने के लिए निश्चित रूप से आने वाले समय में इन्हीं बालिकाओं में से देश के लिए मेडल दिखाई देगा शायद। कवर करने की कोशिश होगी, यहाँ फिर से धक्का दिया लेकिन लक्ष्य तक पहुँच गई रेडर सेफ। बड़ी रेड दो से तीन पॉइंट, सुपर रेड इस वक्त पहली बार सलोम्बर की, और सुपर रेड से जबरदस्त वापसी, ग्रेट कमबैक सलोम्बर। टच पॉइंट जरूर, तो स्कोर में लगातार हलचल जारी रही है बांसवाड़ा की बात करें तो, लेकिन बीच बीच में सलोम्बर भी आए, बड़ा खेल खेल रहा। चार के डिफेंस से अब देखते हैं, 10-10 का स्कोर बराबर है, 10 each। देखिए कितना तराजू की तरह तुल गया मुकाबला, और यहां धक्का देकर बाहर धकेला। लीजिए 11वां पॉइंट सलोम्बर को, और सलोम्बर यहां बढ़त बनाता हुआ, तो सलोम्बर के लिए ऑल आउट का भी अवसर है। क्या बांसवाड़ा को ऑल आउट कर पाएगा सुपर टेकल में? टॉट हवा में किक किया और टच पॉइंट मिलेगा, देखते हैं। प्रयास किया था लेकिन सही टच नहीं थी, और यहां बेहतरीन कैच करने की कोशिश लेकिन लक्ष्य तक पहुंच गया आसानी से, दो पॉइंट। बड़ी रेड अंतिम वाली का, दो नंबर में अब 13 पे पहुंचता बाद 13-10 का स्कोर, 3 अंक की बढ़त ऑल आउट के साथ, 5 से 6 पॉइंट की बढ़त हो सकती है। क्या बोनस अर्जित कर पाएगी बेहद दबाव में, और ये देखिए आसानी से शिकार किया लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, मगर अब दीवार टूटेगी नहीं। ऑल आउट के साथ ही देखिए 16-10 का स्कोर सलोम्बर, 16-10 के साथ 6 अंक की बढ़त सलोम्बर के पास है बांसवाड़ा दबाव में।
एक नंबर में, काफ़ी अपेक्षा है इस पालिका से बांसवाड़ा को वापसी की भरपूर कोशिश में। फर्स्ट हाफ का खेल ज़्यादा नहीं है इस समय, जितनी बढ़त इस हाफ से होगी स्लम्बर के पास उतना आसान होगा सेकेंड हाफ में दबाव बनाना। और देखिए धक्का देकर बाहर भेजने की कोशिश, एक एक पॉइंट दोनों टीमों को, 11-17 के साथ है। अब देखिएगा 18 पे पहुंचता वासल उम्र, तीन नंबर पहचान संख्या। बांसवाड़ा ने अच्छी शुरुआत की थी, टॉस जीतकर रेड लिया था और पहली रेड से पॉइंट पर जीत किया था, उसके बावजूद बढ़त पे था लेकिन जबरदस्त पलटवार सलोम्बर का ऑल आउट किया और बढ़त बनाई। बांसवाड़ा अब 12 पे पहुंचता हुआ, छह का डिफेंस, क्या यहां पुश कर पाएगा? कवर करना चाहिए सामने वाले छोर से, इतना आगे जाने के बाद तो कवर करते हुए पुश किया जा सकता और यहाँ घेर लिया चारों दिशाओं से। धीरे धीरे अब बांसवाड़ा वापस आ रहा मैच में। इनका समय, इनके समय स्कोर इस समय सलोम्बर 18 जबकि बांसवाड़ा 13, यानी 5 अंक की बढ़त वापसी कर सकता है बांसवाड़ा। लगातार गणनाएं करते हुए यहाँ स्कोरर के रूप में और तमाम ऑफिशियल असिस्टेंट अंपायर हो या फिर मुख्य अंपायर। सेकेंड हाफ शुरू होता हुआ, 13-18 फर्स्ट हाफ सलोम्बर के नाम 5 पॉइंट की बढ़त के लिए। और देखते हैं अब बांसवाड़ा कैसे वापसी करता है। कोर्ट बदले गए हैं, क्या मैच बदलेगा? कोच लगातार यहां निगाहें रखे हुए और यहां लक्ष्य तक पहुंच गए सलोम्बर की रेडर, 2 पॉइंट लेकर 20 पे पहुंचता हुआ। तो बांसवाड़ा को गलतियों से बचने की आवश्यकता, असिस्टेंट अंपायर के रूप में यहाँ मैडम लगातार पैनी नजर, और इधर बालिकाओं का लगातार प्रयास, क्या खूब रंग लाएगा। काफ़ी अपेक्षाएं भविष्य में खेल जगत में इन बालिकाओं से, और उसी के तहत खेलों का परचम इस समय राज्य स्तरीय 68वां विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता छात्र और छात्रा वर्ग में अंडर 14 राय सिंह नगर अनूपगढ़ की तरणताल से बेहतरीन मुकाबले एक से बढ़कर एक, 20-13 का स्कोर, 7 अंक की बढ़त सलोम्बर के पास, 5 का डिफेंस, लगातार प्रयासरत। समय ध्यान रखना होगा, बांसवाड़ा देखते हैं वापसी कर पाता है कि नहीं, लगातार प्रयास करता हुआ। एक नंबर से संघर्ष निश्चित रूप से अच्छा किया है लेकिन टीम अभी भी बैकफुट पे। सेकेंड हाफ का खेल, इसलिए थोड़ा सा दबाव बांसवाड़ा के ऊपर, और यहाँ धक्का देने की कोशिश है, इस प्रकार से ऑल आउट, माफ कीजिए रेड आउट। लगातार गलतियों से पॉइंट गंवाता हुआ, 21-13 8 अंक आगे है सलोम्बर। कॉर्नर पे फिर से क्या गलती है, देखते हैं टच पॉइंट की मांग लीजिए। 22वां पॉइंट सलोम्बर की सौगात में, 22-13 9 अंक की बढ़त, कमजोर होता लगातार बांसवाड़ा। इधर से भी ये समोता, पहला पॉइंट बांसवाड़ा 14-22। समय बिताने की चाहत, चाहत ऐसी भी तुम आगे बढ़ जा, डिफेंडर के लिए अब जोखिम उठाने की आवश्यकता।
ये देखिए कितनी छोटी स्टार है, तकरीबन 8-9 वर्षीय बालिका डी लाइन को छूकर यूं गई और यूं आई समय बचाने की कोशिश में। 6 नंबर पहचान संख्या, लक्ष्य तक पहुंची है आसानी से, बड़ी रेड लेकिन एक पॉइंट। 4 नंबर में बांसवाड़ा बेहद दबाव में, साथ के डिफेंस के साथ कमर कसता हुआ मैच पे। लंबा प्रयास लेकिन कामयाबी नहीं मिली, खामोशी वापस। और यहाँ कर्णजीत सिंह जी जो कि बेहतरीन कोच हैं, लगातार नजरें रखे हुए बेहतरीन NIS कोच, इस टूर्नामेंट के ऊपर उनकी पहली नज़र, बेहतरीन भूमिका निभाते हुए और जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है इनकी, बेहतरीन जितने कोच हैं उतने ही शानदार इंसान भी हैं। डी लाइन को छूकर सेफ वापस, 6 नंबर को बाहर भेजा, बड़े स्कोर की ओर अग्रसर इस समय सलमवर और बढ़त का दबदबा कायम और उसके सामने जूझता हुआ इस समय बांसवाड़ा, टच पॉइंट की कोशिश में लगातार प्रयासरत लेकिन एक बार फिर निराशा हाथ लग सकती है। दी डिफेंस ने एकता के साथ अटैक किया तो धक्का देकर बाहर धकेला बाहर रडर और टच पॉइंट की बजाय यहाँ गंवाना पड़ गया बांसवाड़ा को। 2 का डिफेंस सुपर टेकल और यहाँ लीजिएगा 1 आसान अंक। अंतिम वाली का ऑल आउट का खतरा, ऑल आउट के साथ ही वापसी की संभावनाएं बहुत मुश्किल होंगी। बांसवाड़ा बनाम सलूम पर 68वीं राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता 2024, 14 वर्षीय छात्रा वर्ग में इस समय आप देख रहे हैं बेहतरीन कड़ा मुकाबला। सलोम्बर के पास बढ़त, बांसवाड़ा आउट यहां पे बोनस अर्जित किया लेकिन ऑल आउट सलोम्बर के सामने, स्कोर बढ़ता हुआ इसके साथ ही 29 जा पहुंचा है सलोम्बर का, जबकि 15 है इस वक्त बांसवाड़ा, यानी 14 की अच्छी खासी बढ़त और अब इस मैच में सलोम्बर का जीतना लगभग तय है। इसलिए आइए अब आपको अगले मैच के लिए ले चलते हैं, शुक्रिया।